अगे वधदे गल करते हैं। सूबे दे विच लैंड माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लैंड माफिया ने पंचायती जमीन उत्ते बनिया हुआ कब्रिस्तान ही बेच दिता है। जी हाँ, माफिया ने कब्रिस्तान की जमीन उत्ते प्लाट कट्टे ने, तो इन्हों प्लाटा बेच दिता है। मोहाली के पिंड सिसवा की पंचायती जमीन का यह मामला दसिया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि मुस्लिम भाईचारे ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस बाबत चिट्ठी लिख के कब्जे हटाने की मांग भी रखी है। अहम जानकारी तुहाड़े तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बेहद ज्यादा चिंतित करने वाली खबर है, लैंड माफिया के किस हद तक हौसले सूबे के विच वधदे जा रहे हैं। लैंड माफिया ने हुण पंचायती जमीन उत्ते बनिया कब्रिस्तान भी नहीं छड्डिया है, कब्रिस्तान ही बेच दिता है। तुहानूं तस्वीर सिसवां पिंड की दिखाने हैं। मोहाली जिले के पैंदा पिंड सिसवां पिंड, जिथे कि एक कब्रिस्तान है जो कि काफ़ी पुराना, कई दहाके पुराना हैगा। मुस्लिम भाईचारे नाल संबंधित जमीन हैगी। तुहानूं जमीन की जिहड़ी तस्वीर दिखा दिंदे इस समय, यह सामने जिहड़ी जमीन तुसीं देख रहे हो, यह किसे टाइम कब्रिस्तान सीगा, लेकिन हुण इस ते फलदार बूटियां दे नाल इत्थे बाग बना दिता गया। तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, इह सिसवां पिंड दीआं तस्वीरां ने। तां इत्थे तुहानूं दिखावांगे कि किवें इह बाग जिहड़ा हैगा हुण बणिआ, अते इस तों पहलां कब्रिस्तान किवें सी ते किन्ना पुराना सी, इसे बारे गलबात कर लैणे। साडे नाल इत्थे मुस्लिम भाईचारे दे नुमाइंदे हैगे, इहनां नाल गलबात। की नाम है? की नाम है जी? साहब सति श्री अकाल सारिआं नूं। इह आपदा इत्थे आण ते बहुत बहुत धन्नवाद है जी, PTC पंजाबी दा। मैं आपदा बहुत बहुत आभारी है जी। मेरा मेन मकसद की है जी, ये 392/71 नंबर है जी। दिखा दिओ जरा वो। सर मेरे को कागज़ ने जी, मैं कागज़ तो एक तैयार किया सीगा सर, जो CM साहब नूं देना सी। मैं उसकी मेल करी है जी CM साहब नूं, लेकिन सर एक कागज़ तैयार होंदे होंदे ये दो फाइलां बन गई हैं जी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई जी, और ना ही होनी है, होनी भी नहीं सर, क्योंकि फाइल हुण ना मोटी होंदी। यार मैं 25 तरीक नूं 25/5/2022 नूं मैं दरखास्त दित्ती जी, मेल करी जी, DC साहब ने मेल करी जी, सब ने मेला करती है, मैं BDPO साहब नूं करती जी, लेकिन सर हुण हौली हौली कागज़ मोटे होण लग गए जी। एक तुहाडी सुनवाई नहीं होई, तुहानूं होनी नहीं सर, आई थिंक मैं कहिंदा होनी नहीं जी। सर जी मेरे माँ बाप मैनूं रात नूं ख्वाब विच दिखदे ने कि पुत्त साढ़े उप्पर हल चल रहे है, कि साढ़े उपर पेड़ पौधे लग गए, कि पुत सानू बचा लै, लेकिन सर मैं की कर सकता हूँ, मैं ये कुछ नहीं कर सकता जी। ये पे ने सर थोड़े सामने जी जाल लगे वे, मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं अपने माँ बाप से जाके उसे मत्था नहीं टेक सकता। इस्लाम धर्म के सर हैगा कि ईद न और बकरा ईद न साल में तुम 2 बार अपने माँ बाप की जाके इजाजत करके आओ जी। मैं सर जाता जाता कर जाना भी माँ बाप मेरे मैं माफ कर दो भी मैं इस लायक नहीं है जो आप छुड़वा लो। कौन है, कौन जिन्हें कब्जा किया? सर कब्जा उसने नजायज नहीं कराया वा जी, उस बंदे ने जगह मुल ली हुई है जी, मैं नहीं झूठ बोलता, उसने रख लिया 1 करोड़ रुपया ला के जमीन मुल ली है जी। अच्छा, गलतियां हुई किवें, क्योंकि ये तो कब्रिस्तान की जगह तो कहते वेख ही नहीं सकती वाली जगह। सर जी कागजा के किस तरह विकया जी, इस चीज़ का मैं कोई पता नहीं जी, पंचायती लैंड सी है शुरू तो जी, अज भी मुला पे चेक करूंगा जी, उसके उपर साफ लिखा वा जी ग्राम पंचायत के मालकान हक पंचायत का जी। अच्छा, एक बार दिखा भी दें ताकि दर्शक समझ पा कि जो एलीगेशन लग रहे हैं वो एलीगेशन कोई फेक एलीगेशन नहीं है। देखो तुम जी जगह का जिहड़ा नंबर लिखा होया तुसी सामने देख सकते हो, 2.0 गैर मुमकिन कब्रिस्तान वा भूमि वा मकान, तो यह जिहड़ा हैगा प्लाट का नंबर हैगा, सामने तुसी देखो ये प्लाट नंबर हैगे आ, तां इह पूरा बकायदा जिहड़ी हैगी आ इह कागजां दे विच जिहड़ी जमीन हैगी आ कब्रिस्तान की जमीन हैगी, लेकिन उस तों बाद किने बेनीमियां करके इस दे प्लाट कट्टे, किन्ने प्लाट कट्टे, किस नूं ये वेचे गए, तमाम चीज़ा जाँच का विषय है ने। लेकिन हाल फिलहाल एक बहुत वड्डे इल्ज़ाम ने लैंड माफिया ते कि पंचायती जमीना ते किस तरीके कब्जे किए जाते हैं, गैर कानूनी तरीके रजिस्ट्रियां करवाइया जा, प्लाट कट्टे जाते हैं, लेकिन यह भी नहीं देखा जाता कि आखिर कहो जमीन की कब्रस्तान की तो नहीं, या कुछ होर जो किसी भाईचारे के नाल संबंधित जमीन तो नहीं, लेकिन ये तमाम जड़िया चीज़ा है लगातार पंजाब दे विच हो रही हैं। हुण इस मसले दे विच की हुंदा इह देखण वाली गल होएगी। कैमरामैन तुलसी मेहरा दे नाल रविंदर, PTC न्यूज़ मोहाली।
ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਰੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।